बता रहे हैं महाराष्ट्र, जहां संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के टाउन के बाद 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। लॉकडाउन सबसे परहेज पर प्रतिबंधी है, वैसे भी जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद, बैंक खुले रहेंगे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं महाराष्ट्र से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर 15 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवाजाही की छूट रहेगी, निजी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ भोजन थाली 1 महीने तक मुफ्त मिलेगी। मजदूर अधिकृत फेरी वालों को मदद करेंगे, 1500 की जाएगी मदद। रिक्शा चालकों को भी 1500 रुपए की आर्थिक मदद देगी महाराष्ट्र सरकार। आपको बता रहे हैं 15 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। आपको बता दे सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं इसमें। निजी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंधित है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवाजाही की छूट है। सिर्फ भोजन थाली 1 महीने तक मुफ्त मिलेगी। मजदूर अधिकृत फेरी वालों की मदद करेंगे, 1500 रुपए की मदद दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है, रिक्शा चालकों को भी 1500 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने तक का राशन मुफ्त मिलेगा। आदिवासी समाज को 2000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। आपको बता दें कल रात 8 बजे से ये गाइडलाइन लागू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। और अगर लॉकडाउन की बात की जाए, ये गाइडलाइन कल 8 बजे से शुरू होगी, जहां पर कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं सीएम उद्धव ठाकरे ने। आदिवासी समाज को 2000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने तक का राशन मुफ्त देने की बात कही है। रिक्शा चालकों को और इसी बीच एनसीपी नेता नवाब मलिक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अनावश्यक तरीके से लोगों को फिरने से रोकने का पूरा इंतजाम किया गया है। 15 दिन तक ये सारे नियम जो लगभग लॉकडाउन के बराबर हैं, ये लागू रहेंगे। और इस 15 दिन के भीतर हमें लगता है कि कोविड नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। लेकिन इन 15 दिनों में जो गरीब आदमी परेशान होगा, उसके लिए भी सरकार ने कुछ मदद के ऐलान किए हैं। 7 करोड़ जनता को 5 किलो राशन मुफ्त देने का ऐलान किया गया। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, लगभग 25 लाख हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उन्हें 1500 रुपये उनके अकाउंट में डाला जाएगा। जो फेरी वाले हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनके अकाउंट में 1500 रुपये डाले जाएंगे। जो रिक्शा चालक हैं, उनके अकाउंट में 1500 रुपये डाले जाएंगे। और एक बड़ा वर्ग है जो निराधार योजना का लाभ, जिन्हें सरकार हर माह देती है, उनके अकाउंट्स में एडवांस में पेमेंट डाला जाएगा। लगभग 5.5 हज़ार करोड़ के पैकेज का ऐलान मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। साथ ही साथ में जो शिव भोजन थाली है, जो 10 रुपये में दी जाती थी, वो भी मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। हमें लगता है कि जनता पूरी तरह से सहकार करेगी और जो नियम बनाए गए हैं वो जनहित में है। नियम पूरी तरह से जो केसेस बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए है। जनता ने सहयोग दिया तो 15 दिन में हमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेके हमारी जो क्षमता महाराष्ट्र में है 12 लाख टन की यहाँ पे है उत्पादन की, वो क्षमता कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। तो
तो हमें अन्य राज्यों से भी ऑक्सीजन को मंगाने की आवश्यकता है। जिन राज्यों को हमें डिपोर्ट किया गया है, बंगाल से 2,000 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर दूरी के राज्य हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर एयरफोर्स के जरिए अगर गैस सिलेंडर लिफ्ट करके अगर हमें दिया जाता है तो हम कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने में और प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ला मुंबई से जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के साथ साथ 5,500 करोड़ रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया है सीएम उद्धव ठाकरे ने। जी, आवाज आ रही है, आप बताए। माननीय मुख्यमंत्री ठाकरे ने 14 अप्रैल की रात 8 बजे से राज्य में धारा 144 करने का ऐलान किया है। आगे उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि लोगों के मन मुताबिक ना हो, लेकिन 15 दिन तक संचार बंदी लागू की है। अगर दिनेश जी बात की जाए कि कुछ गरीब तबके का कुछ खासा ध्यान रखा है, उनको 1,500 रुपए देने की आर्थिक मदद दी है और 3 महीने तक मुफ्त राशन देने की 5 किलो बात कही गई है। अभी एनसीपी नेता नवाब मलिक भी इस बात को बता रहे थे। गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को राशन से लेकर नगद राशि तक का मदद का ऐलान किया गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्षेत्र में काम करने वाले को मजदूरों को 1,500 रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान हुआ है। अब सिर्फ फेरी वाले को मदद दी जाएगी, रिक्शे वालों को 1,500 रुपए, बाकी क्षेत्र 2,000 रुपए महीने की मदद देने की कही गई है। टोटल 7 करोड़ लोगों को 30 किलो गेहूं, 1 किलो चावल भी अगले 3 महीने तक देने का प्रावधान किया गया है। देखो, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका। बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां 15 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और धारा 144 भी लागू कर दी है। कल रात 8 बजे से गाइडलाइन शुरू हो जाएगी और इसी के साथ सीएम उद्धव ठाकरे ने 5,500 करोड़ रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया है। उन्होंने सभी तबकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।